इजाजत किसी को ना दें। खुतबे के बाद जो हदीस पढ़ी है तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मर्द अपनी बीबी को अपनी हाजत के लिए बुलाए तो उस पर वाजिब है उस औरत पर कि वो फौरन जो है आ जाए, चाहे वो तन्नूर पर ही क्यों ना हो, यानी चाहे वो रोटी पकाने के काम में मशगूल हो, लेकिन जब शौहर ने जो है दावत दी और बुलाया तो वो आ जाए, इनकार ना करे। इन सारे अहकामात का मकसद दर हकीकत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत के अंदर जो है फितरी तौर पर जिंसी जज्बा और ख्वाहिश जो है रखी है, और उस जज्बा और जिंसी ख्वाहिश को पूरा करने का हलाल रास्ता वो तजवीज़ फरमा दिया और वो निकाह है। मियां बीबी के ताल्लुकात में इस ज़रूरत को पूरा करना अव्वलीन अहमियत का हामिल है, यानी हलाल के सारे रास्ते खोल दिए कि मर्द और औरत को अपनी जिंसी तस्कीन को और ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी हराम तरफ जो है जाने की जरूरत ना पेश आए। बीबी को शौहर से तस्कीन हासिल हो और शौहर को बीबी से तस्कीन हासिल हो, ताकि दूसरे तरफ जो है निगाह करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह के अमल को बहुत ही आसान फरमा दिया कि मर्द औरत हैं और दो गवाह मौजूद हैं, एक ने कहा कि मैंने निकाह किया और दूसरे ने कहा मैंने कबूल कर लिया, निकाह हो गया। यहां तक के खुतबे निकाह पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अलबत्ता सुन्नत है किसी काजी से या किसी और शख्स से निकाह पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे से निकाह पढ़वाना यह सुन्नत है। तो अगर कोई मर्द औरत एक जगह पर हैं और दो गवाह भी मौजूद हैं, तो एक ने कहा कि मैंने निकाह किया, दूसरे ने कहा कि कबूल कर लिया, तो निकाह मुनाकिद हो गया। ना मस्जिद जाने की जरूरत, ना बीच में किसी तीसरे को डालने की जरूरत। ये सब क्यों? ताकि हलाल रास्ता आसान हो जाए। और दूसरी तरफ ये ताकीद फरमाई कि निकाह की तकरीब को कोई शर्त लगाए बगैर और बहुत लंबी चौड़ी तकरीब के बगैर आसानी के साथ, सादगी के साथ निकाह को जो है करें, यानी कोई लंबी चौड़ी तकरीब की जरूरत नहीं है, कोई रस्म की जरूरत नहीं है, कोई शर्त की जरूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बरकत वाला निकाह वो है जो आसानी के साथ और सादगी के साथ हो जाए। निकाह के अंदर जितना जो है निकाह को फैलाया जाएगा और धूम धड़का होगा, तो उस निकाह से बरकत उसी कदर जो है खत्म होती चली जाएगी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी हैं और अशरे मुबशरा में से हैं।